अपने पुराने खंडहरों हवेलियों में दौलत छिपे होने की, दबे होने की बातें सुनी होंगी, लेकिन आगर में खेल का एक मैदान इन दिनों सोने और चांदी उगल रहा है। गांव वालों का कहना है कि इस मैदान में आने वाले कई लोगों की किस्मत रातों रात नहीं बल्कि चंद सेकंडों में चंद पलों में बदल गई है। उन्नाव का डोंडिया खेड़ा इलाका, पिछले साल जहां लगा लोगों का मजमा, खजाने की तलाश में हुई खुदाई, कई दिन चला काम। मैदान बना, यूपी का डोंडिया खेड़ा अचानक चर्चाओं में आ गया। एक संत शोभन सरकार ने दावा किया कि यहां पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हजार टन सोना दबा पड़ा है। अगर ये सोना निकाल लिया जाए तो देश की कई आर्थिक परेशानियां जड़ से खत्म की जा सकती हैं। संत की बात पर अमल भी शुरू कर दिया गया। हजारों लोग भी तमाशा देखने आ गए। सरकारी एजेंसियों ने बरखेड़ी गांव, जहां का खेल का मैदान बन गया है खजाने की खदान। जी हां, कुछ लोगों की बात को सच माना जाए तो ये मैदान आजकल सोना और चांदी उगल रहा है। कुछ कुदाले और खुरपी चलाने का यहां ऐसा फल मिलता है कि आदमी कुछ सोच ही नहीं पाता। सिक्का लेता है और नजर ही नहीं आता। पॉप हटने से पहले लोग यहां पर आ जाते हैं और रात होने तक उनकी नजर जमीन से नहीं हटती। घटना निकल तो रहे जी, सुना भी है जी, और मैं भी गया था सुबह गांव में जी, तो मैंने भी देखे कि वहां बहुत से लोग इस पार्ट पे ढूंढ रहे थे। हाँ। और ढूंढने के बाद में फिर मैं तो वापस आ गया। अच्छा, तो दो चार पांच दिन पहले मैं सुन रहा था कि पहले से भी धीरे धीरे काम इसमें जी चल रहा है। जहां पर आपको लोग नजर आ रहे हैं
वो जमीन समतल थी जिसे सरकारी स्कूल के खेल का मैदान बनाने के लिए समतल किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ वो निकला कि लोग खेल मैदान काम सब भूल गए। यहाँ जगह जगह निकले सोने और चांदी के सिक्के देख कईयों की आंखें चौंधिया गईं। लिहाजा जिस घर में जितने लोग थे सब आ गए। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया तो बड़ों ने काम पर जाना। महिलाओं ने रोटी बर्तन छोड़े और आ गई मैदान में, जिसे जहां मौका मिला अपना अपना कब्जा बता दिया। छोटे छोटे औजार लेकर हर किसी की नजर बस सोने और चांदी पर। कुछ लोगों का कहना है कि सोना सामने भले अभी आया हो, लेकिन कई लोगों को यहाँ के बारे में पहले से ही अंदाजा है, इसलिए रात में खुदाई करने वो लोग यहाँ आते हैं। माँ, जो हमारे पूर्वज के लोग जो हैं वो बताते हैं कि भाई यहाँ की स्थिति है या बहुत प्राचीन है। किसी के पास पहले का भी माँ, बहुत से लोग रात में भी आते थे, वहाँ खुदाई करते थे। कुछ बता रहे कि यार से निकाल के ले गए, कुछ हमने तो देखा नहीं है जाके कि भाई निकाल के ले गए नहीं ले गए, क्या है, है संभावना तो है। सिक्कों की हकीकत जानने के लिए हम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों को तो जैसे काम में खलल मंजूर ही नहीं था, लिहाजा हमें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। मामले की खबर मिलने के बाद प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। अधिकारियों और पुलिस को देख मैदान में डटे लोग पहाड़ी की ओर भाग गए। जब उनसे बात की गई तो सिक्के मिलने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि किस किस को ये सोना और चांदी मिला है। जब हमने उन लोगों को बुलवाया तो आए और उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ सिक्के मिल रहे हैं और जो है लोग यहाँ पे जो है आसपास के चार पांच गांव से भी लोग आके सिक्के ढूंढ रहे वहाँ पे। मैं क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी इसलिए मैं थाने से भी एक हेड कांस्टेबल और दो जवानों को भी लेके गया। मेरे साथ तहसीलदार बड़ोद भी थे, तो वहाँ पे और भी लोगों से हमने पूछताछ की। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन किससे मिले हैं ये वो स्पष्ट नहीं बताते हैं। खास बात ये है कि कई दिन तक लोग इस मैदान से सिक्के ले जाते रहे, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर कई दिन बाद लगी। बताया जाता है कि लाखों रुपए के सिक्के अभी तक निकल चुके हैं, लेकिन इन्हें कौन कौन लेकर गया है ये बताने को कोई राजी ही नहीं। समय के लिए आगर से गिरीश सक्सेना।